जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस वालेकुम मैम, सलाम। जी वालेकुम मैम, मैम। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अच्छा, और एक और बात बच्चों के, अब आप लोगों के 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है? फर्स्ट 5 लेक्चर्स का। ओके मैम, मैम पैटर्न बता दें। बेटा एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओके मैम, मैम टाइमिंग बाद में शेयर करेंगी। टाइमिंग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, ठीक है? ओके मैम, इसलिए टाइमिंग आपको शाम की टाइमिंग रख शेयर लीजिएगा। करूंगी, टाइमिंग शाम की ही होगी, ठीक है? और ओके मैम, एलएमएस बेस्ड आप ओके लोगों मैम, का क्विज होगा, फर्स्ट 5 लेक्चर्स। ओके मैम। चलिए ठीक है, अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने हाइड्रोथेरेपी के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, उसके थेरेप्यूटिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस क्या होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी, व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी की काफी सारी डेफिनेशंस हैं, वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोथेरेपी जो है इट इज वाटर थेरेपी। इट इज द यूज ऑफ वाटर, हॉट, कोल्ड, स्टीम और आइस। मतलब कि आप हॉट वाटर यूज कर सकते हो, कोल्ड वाटर है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज आइस, और गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज स्टीम, टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड प्रमोट फिजिकल वेल बींग। इट इज अ जनरल टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दैट यूज वाटर फॉर द रिलीफ ऑफ वेरियस डिजीजेस और इंजरीज। वेरियस डिजीजेज एंड इंजरीज जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए आप वाटर की किसी भी फॉर्म को ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी। द यूज ऑफ वाटर फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेज इज टेकिंग प्लेस सिंस एंशियंट टाइम्स। ठीक है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत एंशियंट टाइम से वाटर का यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पजेज इज बीइंग कैरिड ऑन। इट हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल मीन्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट। वार्म व्हर्लपूल कंटेन्स वाटर एट अ टेम्परेचर दैट रेंजेस बिटवीन 36 to 45 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर क्या मेंटेन करना होता है आपने वार्म व्हर्लपूल में? 36 से 45 डिग्री सेल्सियस। अभी वार्म की बात हो रही है। जेट ऑफ वाटर और एयर स्ट्रीम इज अलाउड फॉर टर्बुलेंस इन वाटर। वाटर जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वाटर टर्बुलेंट होता है, ठीक है? एक होता है स्टैटिक वाटर है, वो साकिन है, वो हिल, उसमें कोई रश या कोई टर्बुलेंस नहीं है। एक है कि टर्बुलेंस वाटर में क्रिएट करवानी है, किस तरह करवाएंगे, या तो एयर की स्टीम की हेल्प से, या जेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मोटर होगी जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होगी वाटर में। अब प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, हाउ द हाइड्रोथेरेपी वर्क। हाइड्रोथेरेपी वर्क्स ऑन द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स, के वेदर आप वाटर के थर्मल इफेक्ट्स ले रहे हो या आप उसके मैकेनिकल इफेक्ट्स ले रहे हो। थर्मल में क्या होगा कि आप उसका हीट का यूज कर रहे हो, हॉट स्टिमुलस है या कोल्ड स्टिमुलस है, जैसा भी आप वाटर यूज कर रहे हो, वेदर हॉट और कोल्ड, ये थर्मल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। जो मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं, मैकेनिकल इफेक्ट्स में आ जाते हैं कि वो प्रेशर कितना वाटर एग्जर्ट कर रहा है बॉडी पे, और कितनी ज्यादा उसकी बॉडी की सेंसेशंस जो है उनको एक्टिवेट कर रहा है, क्या प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो ये मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं वाटर के। इट मेक्स द यूज ऑफ बॉडीज रिएक्शन टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर और टू हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलाई, टू द सेंसेशन ऑफ वाटर इटसेल्फ, टू द प्रोट्रैक्टेड एप्लीकेशन ऑफ हीट। प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी में आपके पास है जी, हीट हेल्प्स टू सूथ एंड क्वाइट द बॉडी एंड टू स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हीट क्या करती है, आपकी बॉडी को सूथ करती है, क्वाइट करती है, स्लो डाउन करती है इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी, रिलैक्स करती है बॉडी को। कोल्ड इज यूज टू रिजुविनेट एंड स्टिमुलेट इंक्रीजिंग इंटरनल एक्टिविटी विद इन द बॉडी। और कोल्ड क्या करता है, कोल्ड के ये वाले काम नहीं, उसके और काम है कि वो स्टिमुलेट करता है बॉडी को, रिजुविनेट करता है, इंटरनल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है? दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं।
बेनिफिट्स अब एज अ होल हाइड्रोथेरेपी के देख लेते हैं. हाइड्रोथेरेपी इज एन आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट फॉर रिलीविंग और रिड्यूसिंग लॉन्ग लास्टिंग और सडन पेन. सडन पेन्स के लिए भी अच्छी है हाइड्रोथेरेपी, लॉन्ग लास्टिंग पेन्स के लिए भी. हाइड्रोथेरेपी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट असिस्टेड बाय डिटॉक्सिफिकेशन. वेस्ट रिमूवल हो रहा है. हाइड्रोथेरेपी जो आपके टाइट टेंस मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन करवाती है, साथ साथ आपके सेल्स जो हैं, आपकी मसल टोन जो है, आपकी स्किन टोन जो है, इन सारी चीजों को इम्प्रूव करते हैं. हाइड्रोथेरेपी हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम अलाउिंग इट टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली. हाइड्रोथेरेपी स्टिमुलेट्स द ब्लड सप्लाई इम्प्रूविंग द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. ब्लड सप्लाई बेटर हो रही है आपकी, आपकी जो इंजर्ड लिम्स हैं, आपके फीवर लो करने के लिए बहुत कॉमनली आप स्पंजिंग करते हैं. पेशेंट की ठंडे पानी से जो स्पंजिंग करी जा रही होती है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी टू लोअर द फीवर. सूद द सोर और इनफ्लेम्ड मसल्स एंड जॉइंट्स, क्लियर अप स्किन प्रॉब्लम, ईज द लेबर पेन्स एंड प्रमोट रिलैक्सेशन. ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके हाइड्रोथेरेपी के. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अब देख लेते हैं जी. हाई स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर्स हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, बायोएंसी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड विस्कोसिटी. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वाटर की. वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेते हैं अब. स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की दैट इज 4 times दैट ऑफ एयर. इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वाटर की दैट इज 25 times मोर देन दैट ऑफ एयर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वाटर उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी को रैपिडली ट्रांसफर कर सकता है. और स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि इतनी ज्यादा 4 times एयर से 4 times ज्यादा थर्मल एनर्जी को रिटेन कर सकता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर दैट इज स्टेशनरी ट्रांसफर्स हीट बाय कंडक्शन. जो स्टेशनरी वाटर होता है, जो एक स्टैटिक वाटर होता है, वो हीट को कैसे ट्रांसफर करता है? बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन. और जो मूविंग वाटर होता है जिसमें टर्बुलेंस होती है, वो कैसे ट्रांसफर करता है? बाय बोथ मीन्स, बाय कंडक्शन प्लस बाय कन्वेक्शन. ठीक है, देन बायोएंसी. बायोएंसी क्या कहते हैं? बायोएंसी वो फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी पे एग्जर्ट हो रही होती है व्हेन इट इज इन वाटर
इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, वॉटर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है किसी भी बॉडी पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज बायोएनर्जी. Archimedes principle is when a body is entirely or partially immersed in a fluid at rest, it experiences an upward thrust equal to the weight of fluid it displaces. Physics ka ek principle hai ki jab bhi koi body aapki water mein immersed hoti hai, chahe entirely completely body immersed ho ya phir partially immersed ho, to jitna fluid usne displace kiya hota hai us body ne, usi ke equal, उस फ्लूइड के इक्वल उस पे एक अपवर्ड थर्स्ट लगती है. वो जो अपवर्ड थर्स्ट है, व्हाट इज दैट? दैट इज बायोएनर्जी. ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बायोएनर्जी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. If density of body is less than the density of fluid, it will displace a smaller volume of fluid and vice versa. यानी कि अगर body की density less होगी, ठीक है, fluid की density से, तो small amount of fluid displace होगा. और अगर body की density ज्यादा होगी density of fluid से, तो फिर large amount of fluid की volume जो है, large amount of fluid volume is displaced. दोबारा रिपीट कर दे बॉडी डेंसिटी वाला. बेटा अगर बॉडी की डेंसिटी लेस है देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर वाटर या फ्लूइड जो भी आप फ्लूइड का वर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि वाटर के अलावा भी कोई फ्लूइड हो सकता है, ये जो प्रिंसिपल है ये जनरली सारे फ्लूइड्स पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से, इफ द बॉडी की डेंसिटी लेस है, तो फिर क्या होता है कि इट विल डिस्प्लेस अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. तो ऑब्वियसली डेंसिटी लेस है तो फिर वो थोड़ा सा फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है. और अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो फिर इट विल डिस्प्लेस अ लार्जर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. ओके मैम, थैंक यू. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. हाँ, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? जो विस्कोसिटी होती है वाटर की अगेंस्ट द मोशन ऑफ एनी बॉडी, या जो भी उसकी रेजिस्टेंस है जो वो प्रोवाइड कर रहा है वाटर, दैट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस अकर्स अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वाटर की, वैसे ही वाटर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड. अब फ्लूइड जो बॉडी पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. पास्कल्स लॉ है, ये भी फिजिक्स का एक लॉ है, दैट अ फ्लूइड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन ऑल सरफेसेस ऑफ बॉडी एट रेस्ट एट अ गिवन डेप्थ. कि अगर कोई बॉडी वाटर के अंदर इमर्स्ड है, उस पे ऑल सरफेसेस पे उस बॉडी की हर तरफ से उस पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. वाटर कैन हैव सिमिलर इफेक्ट्स एज कंप्रेशन डिवाइसेस, बैंडेजेस. जो क्रीप बैंड होती है या कोई कंप्रेशन डिवाइसेस हैं, प्लास्टर्स हैं, टाइट बैंडेजेस हैं, जो कर देते हैं एडिमा को इम्प्रूव करने के लिए या किसी पेन रिलीफ के लिए, तो जैसा उनका इफेक्ट होता है ना कंप्रेशन का, वैसा ही वाटर का, कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर उसी तरह का इफेक्ट शो करता है, विच इज हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग एडिमा. ये सारी थी हमारी जो बेसिक आपकी वाटर की प्रॉपर्टीज थी. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी क्या है? अब आपके पास क्लिनजिंग. क्लिनजिंग किस चीज़ की? जो भी आपके पास डेब्रिस है या कोई वूंड है, ठीक है, उसकी क्लिनजिंग हो जाएगी कि अगर आप वाटर में कोई एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डिजॉल्व कर दें. देन मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स हैं, डिक्रीज द वेट बेरिंग एरियाज. अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि वेट बेरिंग जो है वाटर में डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द बायोएनर्जी इफेक्ट. इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स. कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स क्या होते हैं हाइड्रोथेरेपी के? इंक्रीज वीनस सर्कुलेशन. सेकेंडरी टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज वीनस प्रेशर. आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है अप टू 30% तक. कार्डियक वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और हार्ट रेट आपका डिक्रीज होता है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है इन कोल्ड वाटर. वार्म वाटर या हॉट वाटर में आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, कूल वाटर में अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, इट कैन बी डिक्रीज. द
रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स जो है इंक्रीज ऑफ वर्क ऑफ ब्रीदिंग ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन लंग्स, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए कोई अगर कार्डियक पेशेंट्स हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं तो उनको आप बड़ी कॉशन के साथ आप हाइड्रोथेरेपी देते हैं कि कहीं उनका वर्कलोड उनके लंग्स का ज़्यादा इंक्रीज होकर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना आने लग जाएं। डिक्रीजेज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। फर्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स का। बेटा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर अप्लाई कर रहा है बॉडी पे, ठीक है, लंग्स के ऊपर भी आपकी प्रेशर आ रहा होता है, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है या कोई रेस्पिरेटरी किसी को डिजीज है, ठीक है, सांस लेने में मसला होता है तो उसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है लंग्स का ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, इसी वजह से थोड़ी कॉशन के साथ केयरफुल होके आप ऐसे पेशेंट्स को हाइड्रोथेरेपी यूनिट में डालते हैं बिकॉज इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। रीनल इफेक्ट्स अब कार्डियक पेशेंट को देना ही नहीं चाहिए ना? नहीं बेटा दे सकते हैं, वो उसके हार्ट रेट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर आप देते हो, अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी का हार्ट रेट इंक्रीज्ड है, क्योंकि रिलैक्सिंग और सूदिंग इफेक्ट भी होता है तो आप दे सकते हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, सिर्फ केयर के साथ आपने उसको, ठीक है, कि अगर ओके मैम रेट इंक्रीज हो रहा है आप मॉनिटर कर रहे हो साथ साथ, आप पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, आप मॉनिटर कर रहे हो, कार्डियक पेशेंट है या कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का पेशेंट है, आपने उसको हाइड्रोथेरेपी बाद दी है तो आपने उसको मॉनिटर करते रहना है कि कहीं उसका ब्रीदिंग रेट तो नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट तो ज़्यादा नहीं हो रहा, ताकि आप वो अपनी ट्रीटमेंट स्टॉप कर दो, इसका ये मतलब है कि आपने केयरफुली अप्लाई करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। रीनल इफेक्ट्स में क्या है कि इंक्रीजेस द यूरिन प्रोडक्शन, इंक्रीजेस सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, मे बी यूज्ड टू पेशेंट्स एडवांटेज विद हाइपरटेंशन, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा के पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी एडवांटेजेस होते हैं इसके। अब टाइप्स आ गई हैं, एक एक्सटर्नल हाइड्रोथेरेपी है, एक इंटरनल हाइड्रोथेरेपी है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली एक्सटर्नल हाइड्रोथेरेपी ही यूज की जाती है, जिसमें क्या होता है कि वाटर है या आइस है उसको जो है बॉडी को उसमें इमर्स कर देते हैं, या बॉडी के किसी पार्ट को जिसको आपने ट्रीट करना है या कंप्लीट बॉडी को, फिर उस टेम्परेचर बेस्ड हाइड्रोथेरेपी सिस्टम को आप कंट्रोल करते हो कि आपने उसके कोल्ड इफेक्ट्स लेने हैं या हॉट वाटर के इफेक्ट्स लेने हैं स्किन पे, टिश्यूज पे, ये सारा डिपेंड करे। अब हॉट वाटर जो है वो मसल्स को रिलैक्स करता है, स्वेटिंग करवाता है, हेल्पफुल होता है पुअर सर्कुलेशन को ट्रीट करने में, क्योंकि सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी सोर मसल्स में, पेनफुल मसल्स में, अर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, रियोमेटिज्म में जिसमें रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में पेन है, इन सब चीज़ों में हॉट वाटर की थेरेपी इज बेटर। कोल्ड वाटर जो है दैट इज बेटर इन डिक्रीजिंग द इंफ्लेमेशन। सिट्स बाथ, अब सिट्स बाथ क्या है, दिस इज द प्रोसीजर, आप इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है, हॉट वाटर जो है वो मसल्स को रिलैक्स करता है, स्वेटिंग कॉज करवाता है, सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, सोर मसल्स जो आपके पेनफुल मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा ट्रीट करने में, उनकी अर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, रियोमेटिज्म में, इन सब में हॉट वाटर हेल्पफुल है, और इन्फ्लेमेशन के केसेस में कोल्ड वाटर यूजफुल होता है। Sitz bath is the procedure where the patient sits in a specifically made tub that makes the lower abdomen to be submerged in water that is of different temperature to the water around the feet. Sitz bath ab ek specific design ek aapka setup hota hai jisme kya hota hai, patient ek tub mein baitha hai, lower abdomen ke area ko aapne treat karna hai to lower abdomen ka jo area hai uska temperature thoda sa raised hota hai aur feet ke area ka temperature relatively thoda sa lower hota hai. तो यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, पूरी बॉडी जो है वो सेम टेम्परेचर के वाटर में इमर्ज नहीं होती, एब्डोमेन के एरिया का टेम्परेचर और है और फीट के एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। ये किस लिए यूज की जाती है, सिट्स बाथ ये यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग द मेनस्ट्रुअल क्रैम्प्स, हेमरॉइड्स, प्रोस्टेट स्वेलिंग एंड अदर जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया पे फोकस होता है। Then there is internal hydrotherapy. Internal hydrotherapy includes colonic irrigation. Steam baths are a type of internal hydrotherapy. इसमें basically steam bath ले रहे हैं कि body के अंदर आपकी external hydrotherapy में body के बाहर की आपको hot water apply हो रहा है। अब अगर internally आप steam ले रहे हो
ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल हाइड्रोथेरेपी. कोलोनिक इरिगेशन इज एन एनीमा व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द एंटायर बाउल. अब कोलोनिक, कोलोन जो आपकी है, जो आपकी इंटेस्टाइन का पार्ट है, अब उनकी क्लीनिंग के लिए एक एनीमा की एक टाइप यूज की जाती है. फॉर एनीमा बेसिकली कहते हैं जो आपके इंटेस्टाइन्स को क्लियर करने के लिए, स्टूल पास कराने के लिए, कोई भी आप प्रोसेस, कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हो उसको. तो फिर इससे क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत सारे ठीक हो जाते हैं बाय कोलोनिक इरिगेशन, बाय स्टीम बाथ्स. मोशन बेस्ड हाइड्रोथेरेपी इज अ प्रोसेस वेयर वाटर इज यूज्ड अंडर प्रेशर टू मसाज द बॉडी. दिस ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी बट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जॉइंट और मसल इंजरीज. ज्यादा कॉमनली इसको जॉइंट पेन, मसल पेन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी ये ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं कि मोशन बेस्ड हाइड्रोथेरेपी हो जिसमें वाटर के थ्रू आपकी बॉडी का मसाज हो रहा है. सुपरफिशियल हीटिंग एंड कूलिंग इवन कॉन्टैक्ट विद स्किन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एरिया टू बी ट्रीटेड. ठीक है, सुपरफिशियली हीट हो सकती है हॉट वाटर से, कूलिंग प्रोवाइड हो सकती है अगर आप कोल्ड वाटर यूज कर रहे हो. वाटर का बेनिफिट ये होता है कि थ्रू आउट बॉडी से एक इवन कॉन्टैक्ट रहता है वाटर का. ठीक है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज यू वॉन्ट. वुंड के क्लीनिंग प्रॉपर्टी फैसिलिटेज, रिहाइड्रेशन, सॉफ्टनिंग एंड रिब्रिडमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, रिमूवल ऑफ वाउंड डेब्रिस. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड हीट इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन, प्रोवाइड मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू ऑप्टिमाइज हीलिंग. पेन रिलीफ, हाइड्रोथेरेपी हैज प्रूव टू बी अ हाईली इफेक्टिव टाइप ऑफ नेचुरल थेरेपी व्हिच वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द एंडोर्फिन्स व्हिच इन टर्न हेल्प टू एलिवेट टेंशन एंड कंट्रोल पेन. पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है, आपके एंडोर्फिन्स को स्टिमुलेट करवाते हैं. एंडोर्फिन्स आपके हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी टेंशन को कम करते हैं, टेंशन रिलीव करते हैं, पेन कंट्रोल करते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ, बेसिकली हाइड्रोथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल थेरेपी, क्योंकि आप कोई इसमें मेडिसिन इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई रेज पास नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट प्योरली वाटर. Hydrobath has an extraordinary and almost miraculous ability to improve circulation by providing nourishment and oxygen to the entire cells and tissues. Circulation improve ho rahi hai, immunity improve hoti hai. Conventional detoxing leads to a stronger immune system which is able to manage controlling infections, bacteria, viruses. This also helps to overcome minor infections ranging from common cold right up to deadly disease. Aapki immunity boost karne mein bhi बहुत हेल्पफुल होता है. स्ट्रेस के लिए बहुत हेल्पफुल है कि स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए, स्ट्रेस एवरीडे लाइफ का जो एक स्ट्रेस का साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है. विच कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया. इन सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोथेरेपी बहुत हेल्पफुल है. Hydro bath help in regulating body's temperature by improving the efficiency of perspiration glands. आपके जो sweat glands हैं उनकी efficiency को भी improve करती है hydro bath. This releases the toxins from the body leading to a healthy glowing complexion. It also helps to reduce fluid retention. Arthritis में बहुत helpful है, क्योंकि फिर arthritis के जो patient है वो warm water उसको preferably, उसके जॉइंट्स की स्टिफनेस, जॉइंट्स का पेन, उसकी अर्थराइटिक कंडीशन, रूमेटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हो, उनके लिए हाइड्रोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है. देन बैक पेन, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस आर अप्लाइड टू द पेनफुल एरिया फॉर एक्यूट बैक पेन. अल्टरनेट, पहले आप हॉट कंप्रेशन अप्लाई करें, फिर आप कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करें. ठीक है, एक्यूट बैक पेन के लिए. The hot compress will increase blood flow to the area and relax the muscles while the cold compress will help reduce inflammation. Chronic backaches may be benefited from alternating hot and cold showers. ठीक है, hot वो alternating hot and cold showers से आपके chronic backaches भी benefit हुए हैं. This is also seen in patients. Insomnia के लिए बहुत अच्छा है. Insomnia क्या होता है, the loss of sleep. ठीक है, जो sleep problems होते हैं उनको help treat करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है हाइड्रोथेरेपी.
Hydrotherapy helps to run the blood back to external areas and away from the head. Insomnia is caused by too much blood in the brain. जब आपके हेड में या ब्रेन में ज्यादा सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और वो नीचे सही बॉडी में फ्लो नहीं हो रहा इनटू योर बॉडी एक्सटर्नल एरियाज अवे फ्रॉम द हेड तो आपको इंसोम्निया कॉज हो जाता है. इसी वजह से हाइड्रोथेरेपी जो है ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाती है टुवर्ड्स अदर एरियाज, दैट्स व्हाई इट ट्रीट्स इंसोम्निया. अप्लाइंग हॉट फुट बाथ्स, कोल्ड वाटर पैक्स, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड शावर्स इज रियली इफेक्टिव. जॉइंट पेन की हम देख चुके हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं. शैटिका, शैटिका क्या होता है? शैटिका ये पेन होता है जो आपकी शैटिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक एंड रेडिएटिंग इन कंप्लीट लेग टिल द फुट. हाइड्रोथेरेपी हैज प्रोवाइडेड टू काउंटरैक्ट द बॉडी रिएक्शंस कॉज्ड बाय शैटिका एंड रिड्यूस पेन और एक बाय यूजिंग हॉट टब थेरेपी. बॉडी बिकम्स वेटलेस रिलीविंग इट ऑफ द कॉन्स्टेंट पुल ऑफ ग्रेविटी व्हेन सबमर्ज्ड इन अ हॉट टब. अब वो ये कह रहे हैं कि जब बॉडी को आप पानी के अंदर किसी भी फ्लूइड के टब में इमर्स कर देते हो तो आपकी बॉडी वेटलेस फील होने शुरू हो जाती है ड्यू टू द बायोन्सी इफेक्ट. वाटर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है विच इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, इसीलिए आपको वेटलेस बॉडी फील हो रही होती है. उसकी वजह से जो कॉन्स्टेंट पुल होता है ग्रेविटी का वो भी रिलीफ हो जाता है. शैटिका का जो प्रेशर आ रहा होता है जो शैटिक नर्व पे वो भी रिलीफ हो सकता है. एडिमा कंट्रोल के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कूल वाटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज्ड, वैस्कुलर परमेबिलिटी, हॉट वाटर इंक्रीजेस एडिमा. कूल वाटर जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, हॉट वाटर जो है वो हमेशा वैसो डायलेशन करवाता है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. कॉन्ट्रास्ट बाथ आप यूज कर सकते हैं, ट्रेन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन. अब कॉन्ट्रास्ट बाथ क्या होता है कि एक दफ़ा आपने हॉट वाटर बाथ दी है, सेकेंड टाइम पे आपने कूल वाटर यूज किया, फिर हॉट वाटर, फिर कूल वाटर, यानी अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड हाइड्रोथेरेपी यूनिट्स आप यूज कर रहे हो. क्यों? इससे क्या होता है आपके स्मूथ मसल्स अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं, एक दफ़ा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के, वैसोडाइलेशन के, स्मूथ मसल्स की फंक्शन ओवरऑल बेटर हो जाती है और आपकी वेसल्स जो हैं ब्लड वेसल्स वो स्मूथ मसल्स होते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं अब हाइड्रोथेरेपी की? जी, ओपन वाउंड्स, हेमरेज, स्किन एलर्जी, एक्जिमा, एक्जिमा भी स्किन एलर्जी की टाइप है, इन्फेक्शन जो है ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं ओपन वाउंड्स के हाइड्रोथेरेपी की. अब दो तरह के आप यूज कर रहे हो कि एक में फुल बॉडी इमर्जन, एक में लोकल इमर्जन. फुल बॉडी इमर्जन वो है जिसमें आपने कंप्लीट बॉडी को इमर्स कर दिया वाटर में, और लोकल इमर्जन वो है जिसमें आप कोई पार्ट ऑफ द बॉडी इमर्स करते हैं. कार्डियक इंस्टेबिलिटी के केसेस में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर का पेशेंट है. ठीक है, अगर किसी को हार्ट डिजीज है उसको आप अप्लाई कर रहे हो कॉशन के साथ, केयरफुली, ठीक है, लेकिन अगर किसी का हार्ट फेलियर हो गया है या अनकंट्रोल्ड उसकी हाइपरटेंशन है तो फिर उसमें आप अप्लाई नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. इन्फेक्शियस कंडीशंस, जो वाटर से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं वो दूसरे पेशेंट में फिर वो स्प्रेड हो जाएंगे, इसीलिए यूटीआईज में या प्लांटर वॉर्ट्स हैं किसी को, क्योंकि वॉर्ट्स वायरल होते हैं तो आप अप्लाई नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. बाउल या ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है, यूज नॉन इमर्जेंट टेक्निक्स. ठीक है, इसमें आप ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिसमें इमर्स ना करना पड़े बॉडी को, बाउल या ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है तो. सिवेयर एपिलेप्सी, क्योंकि रिस्क ऑफ ड्राउनिंग होता है, सुसाइडल पेशेंट में भी रिस्क ऑफ ड्राउनिंग होता है. लोकल इमर्जन की प्रिकॉशंस क्या हैं? कि इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशंस हो, कोई इन्फेक्शन हो, कन्फ्यूजन या इम्पेयर्ड कॉग्निशन है पेशेंट की, रिसेंट स्किन ग्राफ्ट हुए हैं, तो फिर आप लोकली उस एरिया को ट्रीट नहीं करते. फुल बॉडी इमर्जन की प्रिकॉशंस ये हैं कि कन्फ्यूजन, डिसऑरिएंटेशन है तो फिर आप फुल बॉडी इमर्जन में प्रिकॉशन लेते हैं. कीप हेड अबव वाटर, कॉन्स्टेंट सुपरविजन. कॉन्स्टेंट सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लो टेम्परेचर, ठीक है, आफ्टर इंजेशन ऑफ अल्कोहल हाइपोटेंसिव इफेक्ट से ड्राउनिंग हो सकती है तो भी आपने बहुत प्रिकॉशन के साथ अप्लाई करना है. पेशेंट्स विद लिमिटेड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बैलेंस एंड रेंज ऑफ मोशन. पेशेंट्स विद फेयर ऑफ वाटर में प्रिकॉशंस के साथ
कॉशियसली आपने उसको केयरफुली जो है पेशेंट को डील करना है. पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ी केयरफुली आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को डील करना है. फुल बॉडी इमर्जन की प्रिकॉशंस क्या है? पेशेंट्स दैट आर प्रेग्नेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेटर्नल हाइपरथर्मिया हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर रेज कर सकता है, दैट इज नॉट गुड फॉर द फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो इसीलिए आप अवॉइड करते हो बेसिकली. यूज नॉर्मल वाटर टेम्परेचर, या फिर आप अपना नॉर्मल टेम्परेचर यूज करते हैं, हॉट वाटर यूज नहीं करते, कैन बी वेरी गुड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन. वार्म वाटर यूज नहीं करना आपने, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर यूज करना है, दैट इज वेरी हेल्पफुल. पेशेंट्स विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है फटीग और वीकनेस पहले ही होती है, तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर या वार्म वाटर ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपका पेशेंट जो है वो फर्दर फटीग और वीकनेस की तरफ चला जाता है. पेशेंट्स विद पुअर थर्मल रेगुलेशन, जो एल्डरली हैं या जो इन्फेंट्स हैं जिनको अपने थर्मल रेगुलेशन या फिर स्किन थर्मल उसका इफेक्ट का इतना नहीं अंदाजा होता, उन पेशेंट्स में भी आप कॉशन के साथ अप्लाई करते हैं. एप्लीकेशन अब इसकी क्या है जी? जनरल रूल्स हैं जो सारी ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट्स के साथ होते हैं. एसेस प्रॉब्लम एंड सेट गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट, डिटरमिन इफ मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मेक श्योर नो कॉन्ट्राइंडिकेशन. ठीक है, हमेशा कोई भी मोडालिटी या कोई भी थेरेपी अप्लाई करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना होता है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है इस पेशेंट पे, हम ये थेरेपी अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं. इसलिए आपने उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, क्या उसको कोई जो है हार्ट का प्रॉब्लम, कोई उसका रीनल फेलियर, कोई उसको सेवेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कोई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, इस तरह का कुछ तो नहीं है, या फिर उसको जो है कोई एपिलेप्सी, इस तरह की कोई साइकोलॉजिकल डिजीज या अनकॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम तो नहीं, ताकि आप उस पर वो मोडालिटी फिर अप्लाई ना करें. सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी, वर्लपूल है, हबर टैंक है, कॉन्ट्रास्ट बाथ है, नॉन इमर्जेंट डिवाइसेस हैं और पूल है. ठीक है, वर्लपूल ये टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, वर्लपूल में भी टैंक होता है, हबर टैंक का उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है उन टैंक्स के. कॉन्ट्रास्ट बाथ क्या होती है कि आपने कोल्ड और वार्म अल्टरनेटिवली अप्लाई करना होता है. नॉन इमर्जेंट डिवाइसेस होती हैं फिर जिसमें आप फ्लूइड के अंदर इमर्स नहीं कर रहे हैं बॉडी को. पूल है, एक्सप्लेन द प्रोसेस, प्रोसीजर, पर्पस, सेंसेशंस, अप्लाई एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी, असेस द आउटकम एंड देन डॉक्यूमेंट ऑल द रिजल्ट्स. वर्लपूल में यही आप टैंक्स यूज कर सकते हैं, लो बॉय, हाई बॉय, हबर टैंक, ये नेम्स हैं सारे इन टैंक्स के. इस तरह के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इसमें पेशेंट को इमर्स करके उसकी बॉडी एक वाटर का टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है. ठीक है, अब ये टैंक्स तो आप कह सकते हो कि जी घर में भी कोई टब है उसमें बंदा बैठ जाए तो वो हाइड्रोथेरेपी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी, लेकिन वो वाटर होगा स्टैटिक. इन टैंक्स में जो है वो वाटर को टर्ब्यूलेंस बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और एयर जेट या एयर स्टीम, इनकी हेल्प से वाटर टर्ब्यूलेंट रखा जाता है. ये था आज का आपका लेक्चर हाइड्रोथेरेपी का. उसके पी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ी हैं, फिर फिजियोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स देखे हैं हाइड्रोथेरेपी के और उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस. वार्म वर्लपूल कंटेन्स वाटर एट टेम्परेचर दैट रेंजेस बिटवीन 36 to 45 degrees Celsius. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी? रिड्यूसेस एडिमा, treats back pain, decreases immunity, boost करते हैं immunity, increase करते हैं hydrotherapy से, so decreases immunity is the wrong answer over here. जी बच्चों, समझ आ गई है? Yes ma'am. किसी बच्चे ने कभी hydrotherapy unit देखा है? No ma'am. हालांकि सारे हॉस्पिटल्स में होता है, वेदर इट इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अब मुझे बाकियों का तो नहीं पता. मैम गवर्नमेंट में तो शॉर्टवेव और जी बेटा ज्यादा होता है, गवर्नमेंट में इतने अभी नहीं आए, प्राइवेट में ज्यादा होते हैं इनके पास. प्राइवेट में तो मस्ट होता है, जहां फिजियोथेरेपी का अच्छा सेटअप हो वहां पे हाइड्रोथेरेपी यूनिट्स होते हैं. सेकेंडली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाकियों का मैं नहीं कुछ कह सकती, बट म्यू हॉस्पिटल में भी हाइड्रोथेरेपी यूनिट प्रेजेंट है.
जो कि वर्किंग में है और बड़ा जबरदस्त उससे ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को, ठीक है, लेकिन सारे पेशेंट्स पे वो अप्लाई नहीं करते, क्योंकि पेशेंट तो सारे ही आपके पास अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और मसल्स पेन के आते हैं, लेकिन आप उनको हाइड्रोथेरेपी यूनिट में नहीं भेज देते। किसी किसी पेशेंट को, कोई प्रोटोकॉल पेशेंट हो तो उसको आप उसे ट्रीट कर भी देते हो, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली बाकी सारी मोडालिटीज हैं तो आप वही प्रेफर करते हैं। सारी रोटेशंस तो घर में हो गई हैं तो क्या देखना है हॉस्पिटल जाके। मैम हमें तो लेके नहीं गए रोटेशंस पे। बेटा आप लोग जब आएंगे तो फिर उसके बाद, अभी आपका नेक्स्ट वीक से क्या ऑन कैंपस क्लासेस हैं? कोई ना जाए मैम ऑन कैंपस, पता नहीं मैम, हमें तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। मैम ये किस वीक का नोटिस आया ना आप लोगों को मेल, तो इस वीक की आई है दैट दिस वीक इज ऑनलाइन, ऐसे ही है मैम। लेकिन इस वीकेंड पे लोगों ने कहा ना तो सर्फ मार के दफा मेल आ जाती है कि अब अगला हफ्ता भी ऑनलाइन ही होगा। यस मैम, हफ्ता खत्म होने की देर होती है। हाँ इस तरह लॉस तो हो रहे हैं ऑब्वियसली। ऑन कैंपस स्टडी, एक फेस टू फेस स्टडी और ऑनलाइन स्टडी में डिफरेंस तो है। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन आपको इस तरह समझ नहीं आएंगी, वेदर टीचर कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक आप वो देखोगे नहीं प्रैक्टिकल। और ये सब्जेक्ट तो वैसे ही प्रैक्टिकल है कि आप लोग सारी मोडालिटीज को ऑन करें, ऑफ करें, उनको अटैच करें, करंट से अप्लाई करें, एक दूसरे पे ही अप्लाई कर लें, चाहे कोई नुकसान नहीं होता अगर आप एक दूसरे पे अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर रहे हो, अगर कोई किसी को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो इट डजंट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट। तो इसी तरह सीखते हैं पेशेंट्स पे अप्लाई करके, एक दूसरे पे अप्लाई करके, बट यहाँ पे ड्यू टू दिस ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ कोरोना, थर्ड वेव इज वेरी कॉन्टेजियस, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है सवेयर है, तो इस वजह से जो है अभी यूनिवर्सिटीज ओपन करने का आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट वीक से भी ओपन होगी, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जो है वो इस वीक का आया हुआ है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। चलिए आप लोगों का क्विज है बच्चों ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे शाम के टाइम में रखेंगे, और उसकी मैं जो है ना आप लोगों को मेल भी कर दूंगी फर्दर उसकी टाइमिंग वगैरह, ठीक है। फर्स्ट 5 लेक्चर्स आपके इंक्लूड इन आपके क्विज है मैम, एमसीक्यू बेस्ड है या वाइवा देंगे आप? बेटा क्विज आपका एमसीक्यू बेस्ड है, पहले मैं क्विज वेडनेसडे को कर लें। नहीं बेटा क्विज आपका ट्यूसडे को ही, जिस दिन लेक्चर होता है ना उसी दिन में रख लेते हैं, वेडनेसडे को ऑलरेडी क्लास में मैम, ठीक है। चलिए आपने अटेंडेंस मार्क कर लिया बेटा? यस मैम। चलिए ठीक है कर लिया। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।